हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त रश्मि और मेरे चैनल लर्निंग बीट्स पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूं वो इवन एंड ऑड नंबर पे है। तो बच्चों को कैसे सिखाना है कि इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं। तो ये इवन एंड ऑड नंबर या तो क्लास वन के सिलेबस में या फिर क्लास टू के सिलेबस में तो आ ही जाता है। तो हमें बच्चों को कैसे सिखाना है इवन एंड ऑड नंबर। सबसे पहला स्टेप इसका है, इसका फर्स्ट स्टेप है कि बच्चों को हमें सबसे पहले टू का टेबल लर्न कराना है। अगर टू का टेबल लर्न हो गया इट मीन्स बच्चे आराम से बता सकते हैं कि इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं। तो जैसे कि सपोज वन डिजिट का नंबर है, सपोज दिस इज नंबर फोर, दिस इज नंबर सिक्स एंड एट। तो जो भी नंबर टू से डिवाइड हो जाते हैं, जो भी नंबर टू से डिवाइड हो जाते हैं उसको हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे कि टू जो होता है वो फोर से डिवाइड हो जाता है। अगर हम फोर को टू से डिवाइड करेंगे तो टू टू जा फोर, मीन्स ये जो फोर है ये टू के टेबल में आता है, ये जो होता है ये टू से डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से सिक्स टू से डिवाइड हो जाता है, एट टू से डिवाइड हो जाता है। तो ये जो वन डिजिट के नंबर है या फिर ट्वेंटी तक के नंबर है, टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन और ट्वेंटी, ये तो बच्चे इजीली बता देंगे कि ये सारे नंबर्स जो होते हैं ये टू के टेबल्स में आते हैं तो ये इवन नंबर है। अब लेकिन मान लीजिए कि कोई थोड़ा सा बड़ा नंबर है, सपोज थोड़ा सा बड़ा नंबर है 56, मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर है 56, तो हम बच्चों को कैसे बताएंगे कि 56 जो है वो टू के टेबल में आता है कि नहीं, टू से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। या तो बच्चे इसको डिवाइड करके देखेंगे, टू को फाइव से, 56 को टू से डिवाइड करेंगे तो ये टू टू जा फोर एंड टू एट जा 16, तो बता सकते हैं यस देयर इज नो रिमाइंडर। अगर यहां पर कोई रिमाइंडर नहीं बचा है इट मीन्स कि ये 56 नंबर जो है ये टू से डिवाइड हो जाता है। नाउ इसका लेकिन एक और तरीका है, कोई भी नंबर है हमारे पास 62 या फिर 64 ले लेते हैं, सपोज हमारे पास 64 है, तो या तो बच्चे इसको डिवाइड करके देखेंगे, लेकिन उसका एक और तरीका है, हमारे पास कितना भी बड़ा नंबर हो हम उस नंबर की लास्ट डिजिट को देखेंगे। तो जब उस नंबर की लास्ट डिजिट को देखेंगे तो लास्ट डिजिट क्या है, फोर, तो क्या फोर टू के टेबल में आता है, यस फोर टू के टेबल में आता है। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि जब हम नंबर 64 को टू से डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, इट मीन्स कि ये नंबर टू से डिविजिबल है, ये टू से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये इवन नंबर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी नंबर टू से डिवाइड हो जाता है वो इवन नंबर होता है। नाउ वी आर टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, थ्री डिजिट का नंबर लेते हैं हम। जैसे कि हमने थ्री डिजिट का कोई नंबर लिया 363 और एक नंबर हमने लिया 478। अब इन दोनों नंबर में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इवन नंबर है और कौन सा ऑड नंबर है। तो या तो बच्चे उसको डिवाइड करके देखेंगे, जिसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा वो हो जाएगा इवन नंबर, और जिसमें रिमाइंडर बचेगा, अगर कुछ भी रिमाइंडर बचता है तो वो हो जाएगा ऑड नंबर। नाउ अब हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है। तो उसके लिए क्या करना है, मैंने आपको बताया कि हम इसका लास्ट डिजिट देखेंगे, इसका लास्ट डिजिट है थ्री, तो क्या थ्री टू के टेबल में आता है, क्या थ्री टू के टेबल में आता है, नो थ्री टू के टेबल्स में नहीं आता है। इट मीन्स कि ये नंबर टू से डिवाइड नहीं होगा, जब हम इसे टू से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो अगर ये टू से डिवाइड नहीं हो रहा है इसका मतलब है ये पूरा 363 एक ऑड नंबर है। मैं आपको अभी डिवाइड करके भी दिखा दूंगी। इसी तरह से 478 अगर हम लेते हैं तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, इसका लास्ट डिजिट है 8, तो क्या 2 के टेबल में 8 आता है,
यस, टू के टेबल में 8 आता है. इट मीन्स ये जो पूरा नंबर है 478, ये 2 से डिवाइड हो जाता है. 2 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स ये इवन नंबर है. ये इवन नंबर है, तो हमें केवल लास्ट डिजिट को ही देखना है, चाहे कितना भी नंबर, बड़ा नंबर हमें दिया हो. अब मैं आपको डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ. जैसे ये 363 था, इसको हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 2, 2 8 16, 3 लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 1 2, यहाँ पे देखिए 1 रिमाइंडर आ गया. अगर रिमाइंडर आ रहा है, इट मीन्स ये 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, और जो भी नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर. अब इसको 478 को डिवाइड करके देख लेते हैं. 2 2 4, 7 लिख लेंगे. 2 3 6, 1 लिख लेंगे. देन 8 लिख लेंगे. 2 9 18, ये देखिए देर इज नो रिमाइंडर. यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, इट मीन्स ये 2 से डिवाइड हो गया, और जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है वो इवन नंबर होता है. तो हमें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 363 इज अ ऑड नंबर एंड 478 इज इवन नंबर. तो हमें क्या चीजें याद रखनी है, इवन नंबर क्या है जो 2 से डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल बाय 2, और ऑड नंबर क्या है, नॉट डिविजिबल बाय 2. तो मैंने आपको इसका आसान तरीका भी बता दिया, केवल आप लास्ट डिजिट देखेंगे और देखते ही बच्चा पहचान जाएगा कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा ऑड है. थैंक यू.